हाय स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम लोग केएस आपसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस केएस का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा गलत लैटिन लिखा गया है। के ए एस एग्जाम का नाम नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था जे के ए एस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिया है। सो कोई बात नहीं, अगर जम्मू कश्मीर का नाम जम्मू एंड कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इस सर्विसेज में हमारे पास कम से कम 24 टाइप के जॉब्स आते हैं। ठीक, जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हो तो आपको 25 जॉब्स मिल सकते हैं। ठीक, उनमें से इन अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। तो सबसे पहले देखो, ये जो एग्जाम होता है ये तीन श्रेणी में होता है। पहली श्रेणी रहती है इसकी प्रीलिमिनरी, ये प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है। उसके बाद मेन एग्जाम होता है, उसके बाद होता है इंटरव्यू, इसे कहते हैं अदरवाइज। ठीक है, तो हमारे पास जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में हर साल इसको एग्जाम को भरते हैं लड़के। कौन लड़का भर सकता है? जिसकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में हो। अगर वो किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करता है तो उसको 2 साल की छूट दी जाती है, 37 साल तक दे सकता है। अगर वो पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस में है तब उसको 2 साल की छूट मिलती है, तो आप 37 साल तक फिर दे सकते हो। ठीक, रिक्वायरमेंट क्या है कि आदमी ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास एक स्नातक डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो MBBS की हो, चाहे वो आर्ट ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट हो, या कॉमर्स ग्रेजुएट हो, MBBS हो, IIT इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसके पास एक स्नातक डिग्री होनी चाहिए, वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में रहता क्या है कि इरेगुलरिटी रहती है एग्जाम की, इसकी डेट्स आगे पीछे रहती हैं, कभी हाई कोर्ट में इसको स्टे लग जाता है। तो फिर भी हम लोग किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये इसके तीन एग्जाम रहते हैं। इसके साथ आखिर में एक मेडिकल टेस्ट होता है जो ये क्वालिफाई कर जाते हैं। मेडिकल टेस्ट में आपको कोई क्रॉनिक डिजीज भी होनी चाहिए तो फिर आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक, तो प्रीलिमिनरी में क्या रहता है कि आपके पास 2 एग्जाम रहते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, 2 पेपर रहते हैं इसके। इस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव देना होता है। इसमें एक रहता है जनरल स्टडी, एक होता है जनरल स्टडी का, और एक होता है ऑप्शनल। जो ऑप्शनल आपने चुना होगा, हमारे पास बड़े सारे डिसिप्लिन रहते हैं, लैंग्वेजेस रहती हैं, ह्यूमैनिटीज रहती हैं, कॉमर्स रहता है और साइंस स्ट्रीम्स रहती हैं। उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो आपके इंटरेस्ट का। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन में वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस कोई भी आप चाहो तो आप रख सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट नहीं है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, अभी कोशिश करते हो उसको डिलीट कर लेंगे तो हो सकता भी हो जाए। ये पहला पैटर्न है, अभी वो उसको चेंज करने की कोशिश भी कर लें। ठीक है, ये 2 एग्जाम रहते हैं, इसमें भी 120 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 120 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिवली इसको करना होता है, तो जो टॉप में रहते हैं उनकी प्रिलिमिनरी क्वालिफाई होता है। प्रिलिमिनरी को स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। इस स्क्रीनिंग टेस्ट का ये मतलब होता है कि हम लोग कितने बच्चों को मेन में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ वो है कि बर्थ तो सबने दिया फॉर्म, लेकिन कितने बन सकते हैं उसके लिए होता है। फिर मेन एग्जाम आता है, मेन एग्जाम में 8 पेपर रहते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये 8 पेपर जो हैं कैसे हैं ये देखो। पहला पेपर क्या रहता है हमारे पास, एक पेपर होता है जनरल इंग्लिश का। ये जनरल जो इंग्लिश होती है ये 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश होती है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है, 33 नंबर लेने हैं। दूसरा होता है एस ए राइटिंग का, ये एस ए राइटिंग जो है ये इंग्लिश में होता है, 150 मार्क्स का रहता है, तो इसको मेरिट में यह नंबर आता है। फिर हमारे पास 2 पेपर जो होते हैं वो जनरल स्टडीज के होते हैं, जनरल स्टडीज के होते हैं 2 पेपर, और ये दोनों 300 और 300 मार्क्स के रहते हैं। इनका सिलेबस जो है वो प्रिस्क्राइब के होता है। आप 12th क्लास जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, सारी साइंसेस, नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड अफेयर्स, वो ये सिलेबस दिया होता है, तो तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आपने 2 ऑप्शनल पेपर चूज करने होते हैं। 2 ऑप्शनल पेपर पहले की तरह ही, ये मैटर नहीं करता कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कोई पेपर भी उठा सकते हो जो उसके कैटलॉग में रहेगा। मान लो आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी उठाया, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी मान लो आपने उठाया, तो ये हिस्ट्री है एक, दूसरा है ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इसके भी 2 पेपर होंगे, इसके भी क्या होंगे, 2 पेपर होंगे। इन सबको मिला के 1, 2, 2, 4 और 4, 8 पेपर टोटल रहेंगे।
इस आर्ट पेपर में जो मार्क्स आएंगे टोटल मिला के, अगर हम इनको काउंटिंग करें तो 600, 600, 1200, 600, 1800 और 150 जो है 1950 टोटल बन गया ये 1950, क्योंकि ये जो ऑप्शन आई है इसके मार्क्स काउंट नहीं करते, तो 1950 में जो टॉप रहेंगे उनकी फिर सिलेक्शन होगी, फिर उनका इंटरव्यू होगा। ये 250 नंबर का इंटरव्यू रहता है, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करता है। तो वो ये इंटरव्यू वाले और ये नंबर मिला के जो टोटल नंबर बनेंगे, तो जो फिर मान लो हमारे पास 500 पोस्ट है, तो जो 500 जो टॉप वाले रहेंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। जब उनकी सिलेक्शन हो जाएगी फिर बाई चॉइस भी होती है ना मेन एग्जाम में कि आप क्या बनना चाहते हो, तो ये तीन कैटेगरी में पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एक होती है केएस की, एक होती है पुलिस सर्विस की, जो कि पुलिस सर्विस की, और एक होती है अकाउंट्स की। केएस में हमारे पास कोई 23-24 में से कोई लगभग 20 कैडर्स रहते हैं, जैसे तहसीलदार लगाना हो, BDO लगाना हो, PTO लगाना हो, तो ऐसी पोस्ट रहती हैं। उसके बाद पुलिस सर्विस में वो DSP लगाते हैं, और इसमें मेडिकल टेस्ट के साथ आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ही होता है उसमें, फिजिकल मेजरमेंट्स रहती है थोड़ी बहुत। अकाउंट्स जो होते हैं ये हमारे पास ट्रेजरी ऑफिसर्स ऐसे उसमें जाते हैं, तो ये करके जिसका हो गया क्वालिफाइड फिर उसको क्या करेंगे, वो मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट के बाद आप लोग इंडक्ट हो जाओगे, फिर आपको परस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाके आपकी ट्रेनिंग होगी, तो फिर आप अपनी सेवाओं को देने के लिए जम्मू कश्मीर में डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने जम्मू कश्मीर को बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए है सही, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि जम्मू कश्मीर में जब भी ये केएस एग्जाम होता है इसमें बड़ी बार वो रिट कर देते हैं, स्टे लगा देते हैं, और उसके कारण ये एक साल का एग्जाम 5-5 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की भी गलती है, क्योंकि जैसे UPSC सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करती है इसके लिए, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन यहाँ होती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को चाहिए कि थोड़ा ध्यान रखे अपनी गलतियों पे, उसको इम्प्रूव करे, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इसको बनाए, और KS के नाम को JKS नाम दे दें, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो उनको ये नाम देना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।